अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि ये इंट्री टेस्ट में भी बहुत पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन इससे लाजमी ही आता है। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड 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 ऑफ एरर और डाउट, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन मेजरमेंट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एंड डाउट और डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अच्छा, अनसर्टेनिटी क्या होती है? देखें, फर्स्ट करें कि ये मेरे पास रूलर है और इसका देखें लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट है 1 mm, 1 मिलीमीटर। ये 0 से 1 तक, कहाँ तक? 0 से 1 तक मेरे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर। और इसके अंदर जो आगे मजीद 10 डिवीजन हुई हुई हैं, ये वाली जो मैंने हाईलाइट भी की है, जो मैंने हाईलाइट की है, आप ये देख सकते हैं कितनी है, 10। तो इसका मतलब क्या है कि 10 ये हमारे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये एक कितना है, ये हमारे पास 1 mm, और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हुए, 10 है। तो 10 mm, और 10 mm किसके बराबर होता है हमारे पास 1 cm के। आप ये प्रीफिक्सेस की वीडियोस देख लें जरूर और आप उनसे फिर ये कन्वर्जन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देखें, अगर हमने ये एक पेंसिल है और पेंसिल की हमने लेंथ मेजर करनी है, तो हमारे पास किस तरह करेंगे? देखें, यहाँ से 0 के बराबर रखा और हमने ये मेजर किया, देखें 5, एंड दिस इज ये 5.5 हो गया, और ये हमारे पास देखें ये कितनी 5.6, ये 5.6 हो गया। और अब ये देखें, ये 6 और 7 के दरमियान, अब देखें हमारे पास जो रूलर था उसका लीस्ट काउंट कितना था, 1 mm। अब ये 1 mm से नीचे नहीं जा सकता, तो लेकिन फिर भी इसने मेजर कितनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 5.6 और 7 के दरमियान। तो हमने कह दिया कि ओके, इसकी जो रीडिंग है 5.65, हमने क्या कहा, इसकी रीडिंग क्या है 5.65। और जो इसमें अनसर्टेनिटी, या ये +0.05 cm भी हो सकता है या -0.05 भी, मतलब इन दोनों के दरमियान, देखें 6 और 7 इन दोनों के दरमियान है, 5.6 और 5.7 के दरमियान। तो अब हमारे पास रीडिंग आई है 5.65, ओके, +-0.05 cm। अच्छा, अब हमारे पास ये हो भी सकता है 5.7 भी हो सकता है और 5.6 cm भी हो सकता है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये अनसर्टेनिटी कहलाती है। आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ अनसर्टेनिटी की, कि आप देखते हैं, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि टाइम क्या है, आप कहते हैं कि 6:30 हो गई है, क्या हो गया 6:30, मैं कहता हूँ नहीं, और मुझे प्रिसाइज करिए, बताओ, आप कहते हैं कि 6:30 और 30 सेकेंड हो गए हैं, मैं कहता हूँ नहीं, और मुझे प्रिसाइज बताओ। आप जितना प्रिसाइज जाएंगे, देखिए, आपके बिताने में भी टाइम लगेगा, क्या आपके बताने में भी टाइम लगेगा, और जो टाइम डिलेशन आएगी, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और ये क्या कहलाता है, ये अनसर्टेनिटी कहलाती है, कि जो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और इसको हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं अनसर्टेनिटी की। अच्छा, इसकी 2 टाइप्स हैं अनसर्टेनिटी की, कितनी टाइप हैं इसकी, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं वो हम पढ़ते हैं, एक है एब्सोल्यूट, कौन सी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और दूसरी कौन सी है, रिलेटिव रिलेटिव और परसेंटेज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हम अभी एब्सोल्यूट देखते हैं, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में जो मेजरमेंट्स ली हैं, हमारे पास आया था 5.65 +-0.05 cm।
अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पढ़ने की, तो हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। ओके, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास, जो हम रीडिंग ले रहे हैं और उसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो क्या आ रही है, 0.05। अब असल में हमारे पास ये क्या चीज कराती है, ये हमारे पास है मेजरमेंट, ये हमारी क्या है मेजरमेंट, और ये हमारे पास क्या है, ये अनसर्टेनिटी। अच्छा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्यों, आप हमेशा देखेंगे इसके ये यूनिट्स के साथ होगी, ये क्या होगी, इसके कोई ना कोई यूनिट्स होंगे और जो परसेंटेज है उसके यूनिट्स नहीं होंगे। अच्छा इसके यूनिट्स कैसे होंगे, क्योंकि ये देखें हम एक्चुअल मेजर कर, हमने स्केल पे मेजर किया था कि ये 5 था और ये यहाँ पे 6 था और इसके अंदर 10 रीडिंग्स थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा हमने कहा था कि हमारी रीडिंग इस जगह पे आ रही है, तो वो 5.65 और प्लस माइनस 0.05। अच्छा अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या होती है, क्या परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो क्या चीज है। अच्छा ये हमारे पास क्या थी, एब्सोल्यूट, जो हमारे पास रीडिंग लेने से आ रही थी, ये हमारे पास क्या थी एब्सोल्यूट, और हमारे पास जो परसेंटेज है वो क्या होती है, वो रिलेटिव होती है, वो क्या होती है, रिलेटिव टू मेजरमेंट, रिलेटिव टू मेजरमेंट। ओके अगर इस जो अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर इस मेजरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो वो फिर क्या होगी, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी, और उसका नो उसके यूनिट्स नहीं होते, वो यूनिट्स के साथ नहीं आती, नो यूनिट्स। अच्छा अब हम इनकी कन्वर्जन देखते हैं कि हमने अगर एब्सोल्यूट से परसेंटेज अनसर्टेनिटी की तरफ आना है या परसेंटेज से एब्सोल्यूट की तरफ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ एब्सोल्यूट से परसेंटेज की तरफ। अच्छा एक बात और आप जहन नशीन कर लें, याद रख लें पक्की पक्की कि कोई भी मेजरमेंट ऐसी नहीं है कि जिसमें एरर ना हो। जिंदगी में आप जितने एक्सपेरिमेंट करते हैं जो जितने होते हैं इसमें लाजमी है कि एरर हो, और वही बात है कि हर चीज क्या है अनसर्टेन है, नो थिंग इज सर्टेन, कोई चीज भी सर्टेन नहीं है। अच्छा मैं अब ये देखें हमारे पास ये क्या थी मेजरमेंट, हमारे पास क्या थी 5.65 प्लस माइनस 0.05 और ये ब्रैकेट में था, टोटल सेंटीमीटर दोनों के यूनिट्स थे, अनसर्टेनिटी के भी और मेजरमेंट के भी। अच्छा हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये फॉर्मूला याद रख लें, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, मेजरमेंट इनटू 100% इज इक्वल टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ओके तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, ये है एब्सोल्यूट से परसेंटेज में जाने के लिए। ओके अभी हम इसकी कन्वर्जन भी करते हैं, हमारे पास देखें फॉर्मूले के लिहाज से देखा जाए तो अनसर्टेनिटी 0.05 cm डिवाइडेड बाय, और हमारे पास ये कितनी थी मेजरमेंट 5.65 cm। अब देखें मैंने आपको कहा था कि इसके यूनिट नहीं होते, देखें दोनों रेशियोज हैं किसकी, एक ही चीज की, दोनों जब रेशियोज हैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में कट जाएंगे, मल्टीप्लाई 100%, सो इट कम्स टू बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इक्वल्स टू 0.884%। और अगर हमने दोबारा परसेंटेज से एब्सोल्यूट की तरफ जाना है तो उसका कैसे होगा, एब्सोल्यूट
अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, हमारे पास जो इज इक्वल टू, जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई मेजरमेंट, मेजरमेंट ओके, तो ये कन्वर्जन है ओके। अच्छा एक और चीज नोट कर ले जाए कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको डिनोट करते हैं डेल से, और जो परसेंटेज है इसको किया जाता है एप्सिलॉन से, ई से ओके। ये मैं भूल गया था, ये आप वापस याद कर लें ओके। एब्सोल्यूट को डेल से और परसेंटेज को किससे, एप्सिलॉन से ओके। थैंक यू वेरी मच, लाफिज।